वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह सारी संगत जानती है कि जिस तरह इंडिया के योगा दिन योगा दिवस मनाया जाता तो असी जरा खालस वालों जोड़ा वा ये शस्त्र विद्या जी करके बच्चों सिखा के साल पहलों ट्रेनिंग दे दी बच्चों तो साल एक सिखा के फिर जी गदका दिवस जोड़ा वा ये मनाया जाता क्योंकि शस्त्र जिहड़े गुरु साहब ने साडे हुक्म किया धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो हरगोबिंद साहब जी तो ये शस्त्र विद्या जी चालू हुई तो उन्होंने स्थान पर ही पिंड सुल्तानपुर जथा सिरला तो खालसा हर रोज़ की तरह जिदा साल दी साल असी घट तो घट तीन चार साल हो गए मनाते हैं तो हर साल की तरह बड़ा धूमधाम नाल मनाईदा। जिस तरह भैन मनिंदर कौर भैन मनजीत कौर सारे भैन ट्रस्ट वाले भैन तो अपना मान दल के वीर सत्कार कमेटी के वीर पारस सिंह हरी सिंह सारे वीर रल के जिहड़ा वा गदका दिवस जिहड़े मनाउने आ ये हर साल की तरह जिहड़ा वा ये इस करके मनाउने आ कि क्योंकि साडा जिहड़ा वा योगियां दा काम नहीं क्योंकि जदों किसी की भी रक्षा करनी कलगीधर पातशाह ने कहा कि शस्त्र बिना भेटा की तरह है सारे तो अही शस्त्र ना जिन्ना चिर हाथ शस्त्र ना आऊ तो रक्षा किदां होगी। तुसीं दिल्ली दे विच वेखणा कि दिल्ली दे विच जिहदे जिहदे कोल हथियार सी उन्हें अपने बच्चे अपन धियां अपन भैन दियां इज्जत बचा लिया तो जिहड़े बंदे लाचार ही जिन्हों को नहीं सी हथियार उन्होंने शरेआम सड़कों च पा के भैन दियां इज्जत लुटिया गई गलों च टायर पा के सड़े गए। इस करके असी जिहड़ा हथियार ज शस्त्र की जिहड़ी विद्या वा ये बच्चों देंदे हैं क्योंकि अपनी रखिया नहीं ये साडे गुरुआं ने सिखाया कि किसी भी कौम से भीड़ पवे या किसी भी धर्म से या किसी भी किसी की धी भैन होवे किसी भी धर्म की होवे उसकी रक्षा करना साडा सिख कौम का फर्ज आ। असी कभी भी वितकरा नहीं किया किसी ना साडे वास्ते सारिया कौम सत्कारयोग ने पर जेडे ये जेडे इन्हां सरकारां दीआं नीतियां ये बार बार सिख कौम नूं दबाउण दी कोशिश कर रहे हैं पर यह जिहड़ा दबाया नहीं जाना क्योंकि जिहड़ी नीह ये धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी की रखी हुई आ क्योंकि जिहड़ा मोढ़ा है जड़ है बड़ी डूंगी है तो इस करके जिहड़ी विद्या वा ये साडे गुरुआं पीरां वल्लों जिहड़ा वा ये सानूं एक बड़ा तगड़ा जिहड़ी एक शस्त्र विद्या दित्ती गई क्योंकि ये नाल ही अं बड़े बड़े तकड़े जड़े जंग जड़े लड़े आ ये अज की गल नहीं ये वेखो बंदा सिंह बहादुर ने उदों भी मजलूमां ते जड़े जुल्म हुंदे सी ते इन्हां तलवारां दे नाल ही जड़ा वा ये गरीब की रक्षा की ते जड़े किसान गरीब किसान जिन्हां दीआं जमीनां खोईआं सी उन्हां नूं जमीनां वापस दवा के दित्तीआं। जे गल करिए कि बाद हिंदू धर्म के जड़ा जनेऊ की गल आई उदों भी कलगीधर पातशाह जदों पिता जी कुरबानी दे के बाद दे विच वो जरा शस्त्र की जी जी मार है जी वो मार के जरा मुसलमान जरा मनाया गया कि जरा नहीं सिख मरे नहीं सिख जीते लगता नहीं कि योजे उपराले सू करने चाहिए जो कि सिखी सिद्धांत अपने सिखियों तो दूर जा रहे बिल्कुल जी ये सरकार का फर्ज बनता सरकार लाचार वाले जराब दियाँ एडा जहाँ चीज़ों तो उन्होंने वेल नहीं जे योगे की गल करते योगे किसी की धी भैन की इज्जत नहीं बच सकती। वेखो सिख भरा वा साडा उन्हूं चाहीदा वध तों वध जिहड़ा ये सिख कौम की नहीं मैं गल करदा गल मैं सारिया कौमां सत्कार योग आ जिहड़ा भी शस्त्र की विद्या करनी चाहुंदा वा उन्हूं शस्त्र की विद्या दित्ती जावे। पहली गल तो वेखो पता नहीं किहड़े देश की मैं एक सुन रहा हाँ भी जिन्ना चिर उन्हां नूं कराटे जां जुडो नहीं आउंदे ते उन्हां चिर उह देश जिहड़ा वा किसे नूं सरकारी नौकरी नहीं दिंदा। इस तरह ही इत्थे असूल होना चाहीदा कि जिहड़ी ट्रेनिंग बच्चे नूं जुडो दी शस्त्रां दी हर एक चीज़ की ट्रेनिंग चाहीदी है तो फिर सरकारी जिहड़े अहुदे दे विच उह जिहड़ा बच्चा मुलाजम चाहीदा क्योंकि इस गल दी नहीं गल किसी भी अहुदे ते होवे ते शस्त्रधारी सिंघ होवे जदों किसी धी भैण दे जां बच्चे जां मजलूम दे किसी ते भी जुल्म होवे ते टाइम ते जिहड़ा वा उह शस्त्र कढ के रख्या कर सके। बिल्कुल जी ये कारण वाहेगुरु सब तो वड्डी नलेकी साडी श्रोमणी कमेटी की ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲੇਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ 5000 ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ 4000 ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲੇਕੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
जिहड़ा शास्त्र विद्या दे विच अगे आउंदा बच्चा, जिहड़ा बाणी दे विच बच्चा अगे आउंदा वा, जिहड़ा बच्चा अपना कोई चंगी जिहड़ा कोर्स कर जांदा, MBBS दीआं सीटां फ्री चाहीदीआं। साडे जिहड़े बच्चे आ गुरसिख, उहनां दे इलाज हस्पतालां दे विच फ्री चाहीदे आ। ये जिहड़े काम इह जिहड़ियां किरतां जिहड़ा पढ़ाईआं बच्चिआं दीआं, ये भी सानू श्रोमणी कमेटी दे स्कूलां दे विच फ्री चाहीदीआं। MBBS दीआं सीटां जिहड़ीआं हस्पताल दे विच, उह सानू फ्री चाहीदीआं। क्यों ना क्यों असीं तलवारां लै के लोकां दे टेंट भन्न चलन चलदे हाँ। कभी असीं साईआं दे टेंट भन्न डेने, कभी असीं किसे दे टेंट भन्न डेने नहीं। ये साडे गुरु ने नहीं सिखाया भी किसी भी धर्म के जिहड़ा आपां अटैक करिए। ये तो फिर वह गल हो गई ना, जिस तरह शिवसेना वाले कहिंदे जिहड़ा राम बोलू उह ही इत्थे रहू, दूजा नहीं रह सकता। इस करके असीं जिहड़े सिख कौम आ, ये सारिआं नूं सांझा उपदेश जिहड़ा देंदे आ, ते गुरू साहिब देंदे भी आए आ, ते इस करके असीं जिहड़ा सारिआं वास्ते सत्कारयोग आ। साडे वीर सारे धर्म सारे असीं इकट्ठा रहना चाहुंदे, कोई इहो जिहा नौ माह दा रिश्ता। पर जदों इह नलेकियां करदे, जदों सानूं टारगेट करदे आ कोई भी कौम, उदों फिर गुस्सा आउंदा। साडे पंथक आगू जिहड़े आ जदों गलत फिर लफ्ज़ बोलदे, फिर इहनां नूं पीड़ां हुंदियां। जे हिंदू राष्ट्र की गल करदे आ ते किसी नूं इंडिया दे विच पीड़ नहीं हुंदी, ते जे इत्थे कोई नौजवान खालसा की गल कर दिंदा ते उह फिर सारिआं नूं सूल उठण लग पैंदा। गल तां राज दी उह करदे आ, राज दी असीं करदे आ, कोई वक्री गल तो अं करते नहीं। इस करके असं जेडे राज की गल आ, राज जिन्ना कौमां ने माने होना उन्होंने दिलों के राज नहीं कर सकते। महाराजा रणजीत वाले अं राज माने तो सारे धर्मां नूं असी सत्कारयोग रखिया, किसी धर्म नाल असी वितकरा नहीं किया। इस करके असी राज की गल तां करते हैं कि सारे धर्म जेडे सत्कारयोग आ, सारे का मान समान जिहड़ा इत्थे जिहड़ा इंडिया दे विच सारे का बराबर चाहीदा। तो इस करके जिहड़ा शस्त्र विद्या जिहड़ी आ, नौजवान मैं एक गल अपनी कौम की नहीं करता, मैं सारिया कौमों को कहना कि शस्त्र विद्या जिहड़ी आ जरूरी आ, हर एक कौम जरूरी है। जे अपना पंथ जां अपना ग्रंथ आपां बचाउणा वा ते सानू पहलों सब तो शस्त्रधारी होना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे दफ्तर सकत्तर हरबीर सिंह संधू, अज असी पार्टी प्रधान सरदार सिमर रणजीत सिंह मान जी के आदेशों मुताबिक गतका दिवस मना रहे हाँ, और पूरे पंजाब विच बड़े जोर शोर नाल इस नूं मनाया जा रहा है, क्योंकि एक गतका हर इंसान नूं आजादी भी दवा सकता है। गतका आउंदा होएगा तो वह जंग के मैदान विच भी जित प्राप्त करेगा। योगा जो मोदी साहब ने शुरू करवाया है, योगा तो एक शरीर नूं फिट रखने वास्ते मनिया जा सकता है, पर गतका एक शरीर का जंग के मैदान विच जित प्राप्त करने वास्ते बहुत जरूरी है। इस करके मान साहब ने दून देसी सोच नाल यह गतका शुरू किया अज के दिन 21 जून नूं, और बुक्कल दे सप्पां दीआं सिरियां फेरन वास्ते यह गतका जरूरी है, क्योंकि साडी कौम विच इसलिए बुक्कल दे सप्प बहुत हो गए ने। साडी कौम नूं कदे वी इंसाफ नहीं मिल रहा, साडे बच्चे कोह कोह के शहीद किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने अपना ढंग तरीका सिखां नूं शहीद करन दा बल दिता है, और वह विदेशों विच भी जाके साडे सिखां नूं गोलियां दा निशाना बना रहे हैं, और ये उन्होंने पता नहीं गा कि ये कौम दे एक सिंह जान नाल किन्ने सिंह किन्ने शहीद पैदा हुंदे ने। और ये आजादी की लड़ाई आ, ये कोई एवें लड़ाई नहीं आ। किन्ना चिर सानू सिख कौम नूं इंसाफ नहीं मिलता, सिख कौम नूं बरगाड़ी का इंसाफ नहीं मिलता, गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी का इंसाफ नहीं मिलता, दरबार साहब के हुए फौजी हमले का इंसाफ नहीं मिलता, गुरु साहब के 328 पावन सरूपा लापता जो किए गए हैं उन्हों का इंसाफ नहीं मिलता। साढ़े उन्हां चिर संघर्ष जारी रहेगा, और एक गतके के रूप में भी एक साडा संघर्ष जारी रहेगा। असी भी एकता के हामी हाँ, पर एकता किसी मुद्दे पर होनी चाहिए आ, और असी हर मुद्दे नाल एकता वास्ते सहमत हाँ, क्योंकि कौम के जोड़े मुद्दे ने वो बहुत जरूरी ने, कौम के मसले बहुत जरूरी ने। साडी लड़ाई दाल आटे नाल नहीं है निबड़न वाली, सानू सरकार उलझा रही है, दाल आटे नाल मुफ्त बिजली दे के उलझा रही है,
लेकिन कौम के बड़े व्डे मसले ने, पंजाब के मसले ने, पंजाब नूं बर्बाद करन वास्ते सरकारां दी एक राय बनी हुई है और पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है। असी इस पंजाब नूं बचाउणा है, उस बचाउण वास्ते साडी जद्दोजहद जारी है। दास दविंदर सिंह, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, सरदार सिमरजीत सिंह जी के दिशा निर्देशों अनुसार अज जिहड़ा गतका वा वो अमृतसर दे विच गुरद्वारा टारी साहब दे विच बड़े धूमधाम दे नाल ते पूरी श्रद्धा दे नाल मनाया जा रहा। यह दसवें पातशाह वालों जिहड़ा बख्शिया खालसाई रौह रीतां दे अनुसार गतका आत्म रक्षा तो करदा ही करदा ते लुकाई की रक्षा करन वास्ते भी ये जिहड़ा वा बड़ा सहाई हुंदा ते लोकां दी रक्षा वास्ते गुरु साहब ने यह जिहड़ा काम आ सिखां नूं सिंघ साज के ते मतलब सिख बनाया सिंघ बनाया। सो अज लगता नहीं कि पंजाब सरकार वालों गतके का भी कुछ हो जाना है, एक पास योग दिवस मनाया जा सकता है, गतका दिवस मनाया। देखो जी गतका दिवस तो मनाना चाहिए, जरूरी है, ये सेहत को तंदुरुस्त भी रखता तो लुकाई की रक्षा भी करता, इस करके ये गतका सब तो ज़्यादा जरूरी है।